और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इनको हिम्मत नहीं है किसी अपराधी के पैर में भी एक लाठी मारने का, और हमारे नेताओं के, सांसद विधायकों के सर पे लाठी मारने का काम किया, ऐसा अराजकता है। ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के माध्यम से नीतीश कुमार से लड़ते रहे। अच्छा एक चीज, क्या चोरी करी है? अच्छा एक वीडियो आप लोग, इतने लोग हैं, एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने एक ढेला भी चलाया हो, उसके बाद भी आप पूछते हैं? आप निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब मीडिया को निष्पक्ष होना होगा। मीडिया यदि निष्पक्ष नहीं है, आप ये बताइए ना, आप एक तरफ, अरे क्या विधानसभा बता रहे थे, क्या देखिए, ये गुंडों की पार्टी नहीं है, राजद तो 100% गुंडों की पार्टी है। वो क्या हमको ज्ञान देगा? जो पार्टी 100% गुंडों से मार खा लग, गुंडों की पार्टी हो, वो दूसरे की बात करता है। और एक मंत्री ने ट्वीट किया कि बदला ले लिए। अरे बदला किसका लिए? नीतीश कुमार ने कुटवाया था आपको, हम लोगों ने नहीं। गृह मंत्री नीतीश कुमार है, आज भी नीतीश कुमार ही हत्यारे हैं, और नीतीश कुमार से हत्या का बदला आगे की रणनीति क्या होगी सर? आगे की रणनीति क्या? एकदम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे बिहार में, और कल पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से जो 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहे। राज्यपाल पहुंच चुके हैं, जाएंगे क्या राजभवन? राज्यपाल पटना पहुंच चुके हैं, राजभवन जाएंगे क्या? उनसे भी आज मिलेंगे और सरकार से रिपोर्ट मांगने का आग्रह करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कॉन्जिलेंस लीजिए। ये तो अपराध है, किसी के पैर में अपराधी को डंटा मारने का, मार नहीं सकती है बिहार की सरकार। हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे लाठी चला रही है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे, आपने जो मीडिया में दिखाया है उसको सिर्फ दिखाते रहिए। और इन लोगों ने क्या कहा, पोस्टमार्टम के पहले तय कर दिया कि ये इनको चोट लगी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अरे तो चोट, वो भजन कीर्तन करने आए थे क्या? वो विधानसभा मार्च में आए थे, और पुलिस ने जो गुंडागर्दी किया उसके खिलाफ आंदोलन में, और जब वो हॉस्पिटल गए हैं पूरा शरीर भींगा हुआ, आप देखिए, पता कीजिए, कई जो उनके साथ साथी गए थे जिन्होंने तारा नर्सिंग होम पहुंचाया, उनका पूरा शरीर भींगा हुआ था, लाठी चली तभी उसी भगदड़ में। एसएसपी ने बयान जारी किया है, कहा है पटना पुलिस पूरी तरह सरकार नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को लाठी चलाने का किसने अधिकार दिया है वो बताए? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोग विशेष अधिकार लाएंगे, जो विधायकों पर जिनको पीटा गया वो विशेष अधिकार लाएंगे, और जो लोकसभा के सदस्य जिनको पीटा गया है उनको वो लोकसभा में विशेष अधिकार का प्रयोग करेंगे, और जो हमारे जो वर्कर जिनके ऊपर पिटाई हुई है, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। भाई ये शिक्षक का आंदोलन नहीं है, हम उनके समर्थन में थे, हम उनके सहयोग में आए थे, हमने शिक्षक को नहीं बुलाया है, कौन कहता है? हम दूसरे के बल पर राजनीति नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पर, तब तो इतने शिष्टाचार होकर काम कर रहे थे, और शिष्टाचार के साथ खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। हमने इसी के लिए चैलेंज किया, मैंने तो चैलेंज किया, एक वीडियो दिखाओ जिसमें हमारे एक भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई ढेला चला रहा हो, कोई लाठी चला रहा हो, एक नहीं दिखा पाए। सदन में आज क्या करेंगे? सदन में देखेंगे।